उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में घटी घटना स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर तमाचा तो है ही, कहीं ना कहीं मानवता भी शर्मसार हो गई है, जिसका जीता जाता उदाहरण मुरादाबाद में जिला अस्पताल से लेकर अधिकारियों की चौखट तक दिखाई दिया है। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दरवाजे पर एक मां अपनी मासूम बेटी की लाश गोदी में लेकर और लाचार अनपढ़ बाप जिला अस्पताल से मिली सादे कागज पर लिखी पर्ची को दिखाकर अपने दुखड़ा रो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। राहगीरों ने मदद की। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के घर के दरवाजे पर बैठे इस दंपत्ति में महिला की गोद में मासूम बच्चे की लाश और पुरुष के हाथ में सादा कागज पर लिखी एक पर्ची दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा है TMU दिल्ली रोड पकवाड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लिखे बोर्ड के नीचे बैठे वीरेश और उसकी पत्नी अपनी 3 साल की बेटी की लाश सीने से लगाए रो रही थी। दरअसल कुड़ फतेहपुर निवासी वीरेश की 3 साल की बेटी घर में गिर गई थी, उसके नाक से खून आ रहा था। वीरेश और उसकी पत्नी अपनी 3 साल की लाडली मासूम को लेकर मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंचे। वीरेश का आरोप है कि अस्पताल में पहुंचने पर 1 घंटे तक बच्ची का इलाज नहीं शुरू किया गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने सादे कागज पर कुछ लिखकर दे दिया और बच्ची को वहां ले जाने के लिए कह दिया। माँ की गोदी में हिचकी लेती बच्ची और लाचार पिता दुखी देखकर जिला अस्पताल के सामने से गुजर रहे त्रिभुवन नाम के युवक ने एक तरह से सहारा देते हुए जानकारी दी तो त्रिभुवन के अनुसार मासूम बच्ची ने उनके सामने ही दम तोड़ दिया, जो त्रिभुवन से देखा नहीं गया और उसने कई बार 108 नंबर पर फोन किया, लेकिन कोई सुनवाई ना हो पाई। त्रिभुवन के अनुसार पहले वो जिला अधिकारी के यहाँ गए, वहां से मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी मैडम के यहाँ भेज दिया गया। मैडम से बात हुई तो वह कह रही हैं जिसने भी ये गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। त्रिभुवन के अनुसार उसने चंदा इकट्ठा करके एम्बुलेंस का इंतजाम किया है और एम्बुलेंस का चालक अर्जुन भी निःशुल्क सेवा देते हुए गमगीन दंपत्ति और मासूम की लाश देखकर चला गया। सीधा करके दिखाओ। ये किसने लिख के दिया तुम्हें? ये साहब डॉक्टर ने लिख के दिया था कि यहाँ से यहाँ ले जाओ इस पर्ची के पत्ते पर। अच्छा, कोई वैसा पर्चा नहीं काटा जो अस्पताल का होता है? नहीं कुछ नहीं सर, यही पर्ची थी। उन डॉक्टर को जानते हो आप? हाँ जानता हूँ सर डॉक्टर। कितनी देर पहले की बात है? सर 1.5 बजे हो गया। 1.5 बजे सर उसमें घुसे थे हम। हाँ, यहाँ तक कैसे आए हो? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक सर, यहाँ तो ये आम आदमी हमें देखता है तो वहाँ चलते हैं। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं बच्चे, हर किसी का बच्चे को दवाई दारू मिलनी चाहिए। त्रिभुवन सिंह है। त्रिभुवन जी, क्या हुआ था, आपने क्या देखा? हम लोग सिविल लाइन के सामने से गुजर रहे थे तो ये बैठी हुई है जो रो रही थी बच्चे को गोद में ली हुए। जब हम लोग पहुंचे, मेरे साथ 2-3 मेरे दोस्त थे, ये बच्चे जिंदा थी हाथ में और हमारे सामने ही मतलब पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग और बच्ची सामने ही डेथ हो गई इसकी। फिर पूछा तो कह रहे हैं कि ये पर्चा दिया है डॉक्टर ने, TMU के नाम से एक पर्चा लिखा हुआ था जो कि जिस पे कुछ नहीं लिखा था, मतलब कोई सरकारी मोहर नहीं थी कुछ नहीं, बस TMU लिख के दे दिए। लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या लिखा है, पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। तो जब हम देखे तो बच्ची उस टाइम सामने ही डेथ हो गई बच्ची की। और फिर उसके बाद एम्बुलेंस के लिए मैंने 108 पे 3 बार कॉल की तो एम्बुलेंस वाले ने कहा कि ये सिर्फ घर से अस्पताल और अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए है बॉडी। मैंने कहा इनके पास पैसे वैसे नहीं है, लोग गरीब हैं तो अस्पताल नहीं किया एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस हम सब लोगों ने मिलकर अपने पैसे से मंगाई है। और एम्बुलेंस वाले जो हैं उन्होंने भी सपोर्ट की, बोले भैया हम तेल के पैसे पे ही चले जाएंगे, तो अब इन्हें लेके जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा सूचना देना चाहिए तो मैं इन लोगों को लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। अब तुम कहाँ पे आए थे इस टाइम? हम लेके यहीं मैडम के पास आए थे। कौन मैडम? होती जो है जिला, ये मुख्य जिला चिकित्सक। पहले हम DM साहब के आवास पे गए, वहाँ से हमें यहाँ भेज दिया गया था, बोले आप वहाँ जाइए वहाँ सुनवाई होगी। यहाँ से मैडम ने फोन पे बात की और उन्हें कहा भी है कि मैं कार्रवाई करूँगी जिसने भी ऐसी हरकत की है और आगे ध्यान रखा जाएगा। ये बात कही किस तरीके से लगता है ये सब देख के आपको क्या लगता है? मैंने तो सर इससे पहले भी कई बार अस्पतालों में एडमिट कराया, मर के ही निकलता है आदमी। मैं लाइव वीडियो भी बनाता हूँ। लाइव वीडियो में एक महिला को एडमिट कराया, बिल्कुल फिट ठीक ठाक थी। उन्हें सुबह हमारे सामने ही थोड़ी देर हमारे पहुँचने से पहले एक इंजेक्शन दिया और 5 मिनट में उनकी डेथ हो गई। ठीक ठाक महिला थी बिल्कुल। लाइव वीडियो है मेरी, त्रिभुवन सिंह के नाम से ID है, उसका आप देख लीजिएगा। ऐसे ही होता है, जिला अस्पताल में कोई केयर नहीं है, सिर्फ पैसे तनख्वाह ले रहे हैं, वो हमें नहीं पता किस चीज़ की ले रहे हैं। जनता इस तरीके से परेशान है और बस नेता मंत्री आ रहे हैं, रैलियां आप देख रहे हैं, उनके पीछे सब लोग लगे हुए, पूरा प्रशासन। एम्बुलेंस वाली चलाता हूँ मैं, ठीक है। एम्बुलेंस प्राइवेट हमारी अपनी है। इन भाइयों का फोन आया मेरे पास, इन लोगों का कि इसकी मदद करनी है, आप ऐसा काम करो तेल पे ना छोड़ जाओ, गरीब आदमी है, चंदू से जा रहे हैं, सोना रोड है। मैं चलो कोई नहीं, हम छोड़ जाएंगे तेल। तो ये लोग फिर यहाँ को आ गए थे,
किसके यहाँ इनके आप पास आए थे, जो सीएमओ साहब के पास आए थे, इन लोगों ने भाई से बात करी थी, जब भी इन्होंने इनके भाई को बताया, बाकी मतलब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिली सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिला, कहीं तरह किसी ने सुनवाई कुछ नहीं करा। ये लोग रोड पर बैठे थे जब हम आया था गाड़ी लेकर, रोड पर रोए थे बैठ के। इस प्रकरण पर कल ही मैंने कंट्रोल रूम में आके जानकारी ली थी, और बल्कि शायद आप अभी 5-10 मिनट पहले आते तो जो अभी मीटिंग चल रही थी हमारी, और जो कल ईएमओ मौजूद थे उनसे मेरी फ़ेस टू फेस उसी के करीब आधे घंटे बाद बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि जो मरीज़ था वो कहीं प्राइवेट में दिखा के आया था, और प्राइवेट में डॉक्टर ने बताया था कि इसको न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, तो हमारे चिकित्सालय में जब डॉक्टर ने उसको अपने पास बुलाया बिठाया और देखा, तो उन्हें ये प्रतीत हुआ कि उसकी जो नाक से खून आ रहा है ये कोई लोकल ब्लीडिंग नहीं है, ये इसके दिमाग के अंदर चोट आई है। और डॉक्टर ने देखते देखते जब ये बताया कि इसके जो दिमाग में चोट है इसके लिए न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, तो तुरंत उनके मरीज के परिजन, जो एक तो बच्चे को गोद में लिए थे और दो लोग और थे, डॉक्टर साहब ने ये बताया मुझे, तो उन्होंने ये कहा कि जब न्यूरोसर्जन की सुविधा यहाँ नहीं है तो फिर हम मरीज को कहीं और ले जाएंगे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो तुम्हें भर्ती करते हैं और अपना नाम बताओ, दस्तखत करो, तो मरीज बोला कि नहीं हमें यहाँ मरीज को नहीं रखना अगर यहाँ न्यूरोसर्जन नहीं है, तो वो पहले से लगता प्रतीत ऐसा होता है जो डॉक्टर साहब हैं उनके बयानों से कि वो पहले से यही उनके दिमाग बना के आए थे कि हमें मतलब न्यूरोसर्जरी की सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर और बहुत से मरीज थे और सभी के सामने मैंने समझाया, और मैंने ये भी कहा कि अभी भर्ती करके और उसके बाद इसको ALS से हम हायर सेंटर पर रेफ़र कर देंगे, तो जो मुझे बताया गया वो ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरा, शव वाहन हमारे यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहता है, और उसके ड्राइवर भी दिन की और रात की शिफ्ट में अलग अलग होते हैं, पर जब मरीज भर्ती होगा और उसकी यहाँ पर मृत्यु होगी तब उसे शव वाहन से भेजा जाता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।